सबसे पहले जाना चाहूंगा तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट द मेकर ऑफ दिस सीरीज पेपर आस्क्ड यू टू बी ऑन बोर्ड. First reaction was obviously very excited because when he narrated the story to me, I remember he narrated a one line, and by the second or the third second, I said I'm doing it. The thought process behind the show is extremely, extremely exciting. The director himself, you know, there is a vibe when you meet somebody. The director has such a great vibe that I said, sir, I don't know about the script that much yet, but I definitely want to work with you. So, and I'm glad I did, because Deepak is one of those rare directors who is so efficient in such a short time that it's not funny. I mean, I thought that, you know, itne din liye hain, itne dinon mein kaise puri shooting ho jayegi. But he finished my entire work in the dates that he had taken, and I'll just say ke it was a very, very pleasant experience working on paper. मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो क्रांति सी आई हुई है. और क्या आप मानते हैं कि स्कैम 1992 की मैं जब बात करता हूँ जो इतना खबरों में हंसन ने डायरेक्ट किया है, और मैं जब आपकी आप जो मैंने ट्रेलर जो मेरे को ट्रेलर से समझ में आता है वो मुझे बहुत समानताएं दिखाता है एक दौर की जो खास दोनों अच्छा दोनों घटनाएं भी यही मुंबई की. आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर पहले हम आते पेपर पहले आता या स्कैम बाद में आता इस बात को कहीं रिग्रेट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं तो मुझे लगता है कि स्कैम के आने से पेपर को और थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोगों ने स्कैम को बहुत पसंद किया है. स्कैम 1992 को, वो ऑफ कोर्स एक रियल कहानी है, एक रियल कैरेक्टर के बारे में, लेकिन पेपर एक फिक्शनलाइज कैरेक्टर के बारे में, एक फिक्शनल वर्ल्ड है. लेकिन स्कैम इज़ वेरी रियल, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ इंडिया. तो मुझे लगता है कि पेपर का स्कैम के तुरंत बाद आना, एक जिसे कहते हैं ना कि एक चलो आपने एक इंटरेस्टिंग शो देखा, एक और इंटरेस्टिंग शो आ रहा है, लेकिन सिमिलैरिटी नहीं है इसमें. थॉट प्रोसेस में सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल ही अलग है स्कैम से. लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन ज़रूर होंगे, और मुझे लगता है कि इस कंपैरिजन में हम सही खड़े उतरेंगे. क्या आप नॉस्टैल्जिक होते हैं जब मैं पेपर की बात करता हूँ? रिपीटिंग माई सेल्फ, वो बहुत ताज़ा करता है क्योंकि इसी शहर की बात, जी, दोनों जगह इसी शहर जी, की बात. इनफैक्ट टाइमिंग भी मोर ऑर लेस सेम थी, और इनफैक्ट मेरे शो में हर्षद मेहता का रेफरेंस भी है. ये उसी वक्त की बात है जब उन्होंने ये जो भी स्कैम किया था, और उसी दौरान उसी एरा उसी वर्ल्ड की कहानी है ये. लेकिन आप जब स्कैम देखेंगे और आप जब पेपर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये बिल्कुल ही अलग है. एक जो जेनेटिकली अलग होते हैं ना, जैसे हम और आप सिमिलर हो सकते हैं लेकिन जेनेटिकली अलग है, वैसे ये दोनों कहानियाँ जेनेटिकली अलग है. और शूट करने का जो इनका स्टाइल है दीपक का, ऑफकोर्स हंसल इज़ फैंटास्टिक, हंसल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. मैंने उन्हें कंग्रेचुलेट भी किया था स्कैम के बाद, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी लगी कहानी, परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छे थे, म्यूज़िक बहुत हॉन्टिंग था. लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, दीपक ने जो पेपर के साथ किया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस साल अगर हम लोग अवार्ड्स में गए तो काफ़ी सारे अवार्ड्स पेपर को मिलेंगे. व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग दिस रोल? बहुत इंप्रेसिव लगता है जब आप स्क्रीन पे आते हैं, जब आप ट्रेलर देखते हैं, वो आपको एहसास होता है कि हाँ कितना रियल स्पेस में है, कि ऐसा कुछ हुआ होगा. सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये नोटिस किया. मेरी यही इसमें मैं इनफैक्ट इंटरव्यू में कहता हूँ कि 25 साल से मैंने कोई होमवर्क नहीं किया किसी फिल्म या टेलीविजन से पहले. ये पहली बार मैंने होमवर्क करके मैं किसी सेट पे गया हूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर मैंने कभी ना कभी प्ले किया था, ना मेरी तरह है, और ना आसानी से आ सकता था. ये ऐसा नहीं है कि सेट पे गए, लाइन पड़े और आ गया. इसमें बहुत प्रेप करना पड़ा, इसके लुक पे प्रेप करना पड़ा, इसका एक वॉकिंग स्टाइल जो है उस पर प्रेप करना पड़ा. मेरे कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर से बिल्कुल ही अलग है ये, वो सोचता ही अलग है. उसका जो लहजा है वो हैदराबादी टोन में बात करता है, वो सब सीखना पड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था. तो वो सब करना पड़ा, लेकिन वो चैलेंज था, वही एक एक्टर के लिए वही तो जो चैलेंज ही तो एक्साइटिंग होता है. और जहाँ तक अब्दुल का सवाल है, एक भी ऐसा ट्रेट नहीं है उसमें जो रोहित में है. तो बहुत मज़ा आया यार, एंड आई एम हैप्पी कि आपको गूज़बम्स हो रहे हैं ट्रेलर देख के. और उम्मीद करता हूँ, और पहली बार 25 साल लंबे करियर में मुझे कॉन्फिडेंस है कि लोगों को ये शो पसंद आएगा. और वन लाइनर बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जी. डायलॉग जिस तरह से लिखे गए हैं और जिस तरह से अदा करे गए हैं जी, डायलॉग का कितना फ्रेम, बहुत इंप्रेसिव लगते हैं जिस तरह से आप कहते हैं. सर, मैं आपको ये बताऊं कि इस कहानी में, और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि आपको देख के लगना चाहिए कि यार ये रियल लाइफ कैरेक्टर है. हालांकि फिक्शनल है, लेकिन वो एक जो वर्ल्ड क्रिएट किया, आपको लगना चाहिए कि अब्दुल कोई रहा होगा 19 में. यस,
कि 90s में इसने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही। डायलॉग वन लाइनर, ये वही मैं सोच रहा था कि आपको कैसे समझाऊँ। उसके डायलॉग्स पंची हैं, लेकिन वन लाइनर्स में क्या होता है कि कभी कभी फेक हो जाते हैं, तो वैसे वन लाइनर्स ये कैरेक्टर नहीं बोलता है, लेकिन वो बोलता है। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरी लाइन थी जो मैंने खुद लिखी थी ऑन सेट, कि वो बोलता है कि यार तुम्हारा ट्रक पकड़ा गया, तो बोलता है हाँ तो मेरे को अरेस्ट करने का ना, इधर बैठ के सामने चाय कॉय को पिलाता है। तो ये एक ऑन द स्पॉट कभी कभी आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें। और ये इसको मैं श्रेय फिर से दीपक जी को देता हूँ, डायरेक्टर जो है हमारे, कि उन्होंने मुझे वो लिबर्टी दी, वो फ्रीडम दी। देखिए जब एक डायरेक्टर एक्टिंग करता है ना, तो बहुत लिमिटेशन आ जाती है कि अच्छा ये डायरेक्टर बोल रहा है मुझे या ये एक्टर बोल रहा है, तो मुझे बहुत फूक फूक के कदम लेने पड़ते हैं, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं जताना चाहता हूँ कि भाई मुझे ये द डायरेक्टर इन मी इज़ टॉकिंग। तो ये बहुत ही एक क्रूशल पॉइंट आता है रिलेशनशिप में। दीपक जी ने मुझे वो लिबर्टी दी कि भाई ये तुम्हारा स्क्रिप्ट है, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा शो है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम ये कैरेक्टर बिल्ड करो। और मैंने मेहनत की ऑफकोर्स, बट आई गिव द एंटायर क्रेडिट टू माई परफॉर्मेंस टू दीपक जी, एंड आई मीन दिस इन ऑल ऑनेस्टी। You said, you know, there'll be a comparison with Scam 1992. Do you think the sense of responsibility goes up on your shoulder? Yes, 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 absolutely. Because अगर स्कैम नहीं आता था तो मैं पेपर एक नया है शो, रोहित बोसरा है शो में, शो आएगा, लोग देखेंगे, सोचेंगे। अब स्कैम आ गया है, अब उसके लीड एक्टर की बहुत तारीफ हुई है, जो मैं भी बहुत समझता हूँ कि क्या कमाल का काम किया उसने। अब कंपेरिजन्स होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा किरदार इतना अलग है स्कैम के किरदार से, हालांकि दोनों स्कैम में आर्टिस्ट हैं, लेकिन इतना अलग है, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन है लेकिन भाई टाइप बिजनेसमैन है, और वो एक रियल लाइफ मिडिल क्लास, वो उसने बहुत अच्छे से किया है। तो अगर कंपैरिजन होते भी है तो अच्छा ही होगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में खरा उतरा हूँ या नहीं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, स्पेशली टू द उल्लू पीपल, क्या आपको नहीं लगता कि और किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर जाया जाता है तो ज़्यादा विजिबिलिटी होती? देखिए इसका मैं नहीं, आपने अच्छा किया आप सवाल पूछिए, इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। उल्लू के साथ मुझे ये शो करने में इसलिए मज़ा आया क्योंकि उल्लू का जो एक पहले थॉट प्रोसेस था कि उस किस्म के शोज़ बनाते थे, वैसा कंटेंट ज़बरदस्ती आता ही था, क्योंकि वैसी फ़ैन बेस थी उनकी, वैसी व्यूअरशिप थी, वैसे ऑडियंस थी। अब उनका पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया उनके थॉट प्रोसेस में, अब वो कहानियाँ कहना चाहते हैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ कहना चाहते हैं, जैसे पहले पेशावर आया, अब पेपर आ रहा है, और मेरा शो जब लॉन्च हो रहा है उनका पूरा ऐप ही चेंज हो गया। अब ऐप में पेरेंटल गाइडेंस है, लॉक्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जहाँ पे आपको आप फैमिली के साथ बैठे और आप करेंगे अरे यार ये क्या देख रहे हैं। जहाँ से अब दूसरी आपने सवाल पूछा कि कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाता तो रीच ज़्यादा होती, मैं आपको बताऊँ, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, मैं कहता हूँ आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे पेपर के आने से उल्लू की व्यूअरशिप बढ़ेगी। मैं ऐसा क्यों सोचूं कि मैं नेटफ्लिक्स पे आऊँगा तो मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी? तो मुझे लगता है कि एक ऐसा शो जो इतनी शिद्दत और ऑनेस्टी से हमने बनाई है, और इतना मैं अपने किसी भी शो या फिल्म के बारे में बात नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसके आने से उल्लू को भी फ़ायदा होगा और ऑडियंसेस भी इन्जॉय करेंगी, क्योंकि इट्स अ हाउ डू आई से दिस, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ अ शो। The last question from my end. Tomorrow there's a press show is happening Surat mein Mangalwar. The reason I'm saying you this, you know, yeah, there's a possibility you'll be keeping a press show, especially for the people, for the family, from the friends, from the industry. Press show for what? At least a episode to, you know. So I 3 days back I was dubbing देखने के बाद फिर से मैं excited हो गया था, जितना excited हो गया था shooting करते वक्त। और मैंने विभू जी को कहा कि कुछ नहीं तो पहले दो तीन episode का एक trial रखना चाहिए, press show ना हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो माहौल नहीं है कि सबको बुलाया जाए साथ में। लेकिन मैंने सोचा कि दिवाली के दिन अगर हम लोग मिल के एटलीस्ट एक या दो एपिसोड देख ले तो बड़ा मज़ा आएगा। अब ये तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है कि वो ये कर पाते हैं या नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आया। और मैं चाहता हूँ, लाइक आई सेड, पहली बार इतना एक्साइटेड हूँ, एक बच्चे की तरह मुझे फीलिंग हो रही है कि मेरा डेब्यू हो रहा है। क्योंकि अगर मैंने इसमें फ्लॉप हो गया तो मुझे वैसे कैरेक्टर्स फिर वापस दोबारा मिलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा गुड लुकिंग बॉय, हार्वर्ड रिटर्न, बिजनेसमैन, ये वो वैसे ही रोल्स आते हैं। और अब मैं वो सब मोल्ड तोड़ के वो जो एक होता है ना धरती का, वो करना चाह रहा था और इसमें मैंने वो किया है, अपनी पूरी कोशिश की है। अब देखते हैं यार दिवाली मेरे लिए कितनी हैप्पी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली गाइस।